दिल्ली के डाबरी इलाके में शनिवार की रात उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को एक घर के अंदर तीन लोगों के मृत पड़े होने की जानकारी मिली। मृतकों में से दो सगे भाई थे जबकि तीसरा उनका नौकर था। दोनों भाइयों की पहचान अमित और सोनू के रूप में हुई है। ये बरेली के रहने वाले थे और डाबरी में छोले भटूरे की दुकान चलाते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शनिवार की शाम लगभग 6:30 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत ही डाबरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई जहां तीनों मृत अवस्था में पाए गए। डीसीपी अंकित कुमार सिंह के मुताबिक तीनों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। मृतकों में दो भाई हैं जो बरेली के रहने वाले थे और सड़क के किनारे छोले भटूरे की दुकान चलाते थे। वहीं तीसरा मृतक उनका नौकर था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इनकी मौत की जाँच की जा रही है और मौके पर FSL टीम को बुलाया गया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि घर में एक मिनी LPG गैस का नॉब चालू था। अधिकारी के मुताबिक उनकी मौत की असल वजह का अभी पता नहीं चला है। जांच में ये भी सामने आया है कि मृतकों ने शराब पी हुई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लोगों से पूछताछ कर छानबीन में जुटी हुई है। तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीनों की मौत को लेकर डाबरी थाना पुलिस की जाँच जारी है। पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।